हेलो दोस्तों, वेलकम टू MCQForAll.com। मैं आपका होस्ट अमित। आज मैं आपके सामने CTET फरवरी 2016 के नोटिफिकेशन को लेकर आया हूं और ये वीडियो तीन पार्ट में होने वाला है। पहला पार्ट जेनरिक नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी और पेपर पैटर्न के बारे में, और तीसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस जो कि बेसिकली आपको कवर करना है, कैसे कवर करना है और आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए पेपर को लेकर के, अगर आप के आप अगर पर्टिकुलर तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं। सो लेट्स से हमारा पूरा डिस्कशन इसी बात पे होने वाला है कि CTET 2016 फरवरी महीने को किस तरीके से अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया जाए। स्टार्ट करते हैं हम अपना ये पहला पार्ट। सो नोटिफिकेशन रिगार्डिंग कुछ डेट्स हैं, डेट्स आपके दिमाग में होनी चाहिए। फॉर्म भरने की तारीख 4/12/2015 से 28/12/2015 तक है और एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा आपको पेमेंट करने का, जो कि 29/12/2015 तक, यानी कि 29/12/2015 के बाद में आप फॉर्म भर नहीं सकते, बल्कि 28 के बाद ही नहीं भर सकते, आप पेमेंट नहीं कर सकते 29/12 के बाद में, और आपका ये प्रोसेस यही पर खत्म हो जाता है। फॉर्म भरने के बाद में, एप्लीकेशन भरने के बाद में, पेमेंट करने के बाद में आती है एग्जाम डेट की। जो एग्जाम है वो आपका 21/2/2016 को है, यानी कि करीबन आपको मिलते हैं दिसंबर के बाद में फुल जनवरी एंड फुल फरवरी, फुल दिसंबर एंड फुल जनवरी। सो ऑलमोस्ट लाइक 2 महीने हैं, 2 महीने काफी होते हैं अगर आपके आपका बीएड और आपके आप अगर ऑलरेडी एज अ टीचर पढ़ा रहे हैं कहीं। चलिए डिस्कस करते हैं टाइमिंग के बारे में। टाइमिंग क्या है, पेपर टू और पेपर वन। पेपर टू का टाइमिंग सुबह 9:30 से लेकर दोपहर 12 बजे तक, 2.5 घंटे का पेपर है, और पेपर वन है वो सेकंड पार्ट में है, वो दोपहर 2 बजे से लेकर के शाम 4:30 बजे तक है। और उसके बाद में फी, यानी कि अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, नॉन क्रीमी वो ओबीसी हैं, तो आपके लिए फी रहेगी 600। अगर आप कोई भी पेपर वन या पेपर टू भर रहे होते हैं, या अगर आप दोनों फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा 1000 रुपीज का, 1000 रुपए का। अगर आप SC ST डिफरेंटिएबल्ड या ओबीसी हैं, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा 300 रुपए अगर आप पेपर वन या पेपर टू में से कोई भी भर रहे हैं, और अगर आप दोनों ही भर रहे हैं तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा 500 रुपए। सो ये तो रही बात जनरल नोटिफिकेशन की। सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी की और पेपर के पैटर्न की।